पेपर देखा है, कैसा गया पेपर? बता, ऐसा क्यों लगता है पहचान लिया मेरे को? सर मैं आपकी अकेडमी का बंदा हूँ सर। अकेडमी का बंदा? हमारी एक एकेडमी का बंदा यहाँ पे मिल चुका है, जो कि हमें तलाश थी हमारे एकेडमी के एक बंदे की। पेपर कैसे गया बेटे? सर अच्छा है, एकदम बढ़िया। पीडीए की कुछ लाइन याद है? अगर पीडीए का स्टूडेंट हो तो सर जैन बेटे इधर इधर कुछ याद है? क्या याद है? वही है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा है ना। एक ही सर लाइन रहता, वो तो हमने बोर्ड पे भी लिख रखा है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। पेपर बढ़िया गया? कितना अटेम्प्ट किया पेपर? भैया एक घंटे का। कितने अटेम्प्ट किए? मतलब 50 क्वेश्चन मतलब समथिंग 45 बना है, तो कितने राइट जाएंगे अंदाजा क्या है? तुक्के लगाए? नहीं तुक्के सर, हाँ 5 तुक्के लगे। पीडीए का स्टूडेंट होने के बावजूद भी 5 तुक्के तो लगा दिए इसने भी यहाँ पर। क्यों लगाए तुक्के सर? उसमें मतलब डाउट था थोड़ा, मतलब सही कितना परसेंट राइट लग रहा था? वो 45% राइट लग रहा था, यानी कि हमने 55 लगा दिए तुक्के, मतलब कर दिया। मतलब आपका आपने कितना अटेम्प्ट किया सर? 45 45 किया सर। कितना राइट जाएंगे? 42-47 जाएंगे सर। 42 के समथिंग में राइट चले जाएंगे यहाँ। दो तीन क्वेश्चन सर दो तीन क्वेश्चन डाउट में थे, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो गलत जाएंगे। एक्यूरेट कितना लगता है? करेक्ट कितना है? करेक्ट सर 43 जाएंगे। आपको पता है मेरिट कितने पे खुलने वाली है? मुझे लगता है 32 पर मेरिट खुल जाएगी यहाँ पर। अगर 32 क्वेश्चन आपका सही है, यानी कि 100 नंबर में से अगर आपके 64 आ गए, तो आपका एग्जाम में एग्जाम मतलब मेरिट में आपका नाम कन्फर्म है। तो कहीं ना कहीं आप जो बता रहे जो क्वेश्चन आप बता रहे कि मैंने इतने राइट किए हैं, तो आपका नाम आ रहा है मेरिट में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तुक्का लगाया होगा, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तो फिर बात बनेगी नहीं आपको। अरे बेटे बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को पीडीए परिवार की तरफ से। और अगर एग्जाम पास होता है तो आपको पीडीए का आंकड़ा बताइए कि फिजिकल के लिए फिर कौन है? पीडीए फिजिकल के बाद में तो फिर पीडीए ही आएगी। चलिए पंजाब। और यहाँ पर हमारे कुछ और कमांडो भी आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि अपना अग्निवीर का पेपर देकर आ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों एक हमारे इंडियन आर्मी के केस में बच्चा आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा पेपर कैसे गया? पेपर नहीं हुआ। कौन सी शिफ्ट है अभी? मतलब थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में पेपर है? चलो बढ़िया, मेहनत की थी बढ़िया तरीके से। क्या लगता है पेपर का लेवल देखकर? सर पेपर तो मतलब मीडियम ही आया, ज्यादा हाई लेवल का नहीं। मीडियम है, हाई लेवल का नहीं है? डरने की जरूरत भी नहीं है, मेहनत तो विश्वास है ना सर। चलिए पीडी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप आपका पेपर बहुत तगड़ा जाए, और आप एग्जाम क्लियर करके मेडिकल और फिजिकल मार के भर्ती करें। चलिए धन्यवाद। ओके ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग सारे कमांडो यहाँ पर, जो कि अग्निवीर यहाँ से बाहर हो चुके एग्जाम देकर। और भी बात करेंगे हम बच्चों से कि किस तरीके से लेवल का आया हुआ था। दो तीन बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि पेपर तो नॉर्मल आया हुआ है। चलिए और भी जानकारी लेंगे हम। अभी कुछ कमांडो आ रहे हैं, और हमारे ये कमांडो कहीं मुझे बाहर के लगते हैं, भोपाल साइड के लगते हैं। अंदाजा मेरा भोपाल साइड का है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? धार के रहने वाले? मैं तो भोपाल बता रहा था आप लोगों का। ये तो लोकल हो गया। पेपर कैसा गया आप लोगों का? किस किसने दिया पेपर? आप लोगों ने दिया पेपर? आपने दिया? कितने अटेम्प्ट किए? 50 में 46 अटेम्प्ट किए, 46 कर दिए। मेरी पाइप कैसे लगाए? जैन बड़े जैन कैसा है पेपर? ये चाहिए इधर अभी बता दिया। हाँ ठीक है, चल बेटे बेस्ट। हाँ मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो 35 से ऊपर हाथ नहीं लगाते क्वेश्चन। नहीं सर, सिलेबस जो 10 तक है ना वही सारा इसमें आता है। मतलब पेपर इजी था इसलिए ठोक दिया। तुक्के कितने लगाए? तुक्के नहीं, नोट नहीं बोलना। तुक्के कितने लगा? तुक्के नहीं लगा, जो आया वही के इतने चार भी छोड़े नहीं तो वो भी कर गया। मतलब तुक्के एक भी नहीं लगाए? नहीं लगाए। गलत कितने जा सकते हैं आप? ये पता नहीं है, वो तुक्के तो नहीं लगाए, जो मतलब आए वही लगाए। मतलब करेक्ट जो हमें पता था वही लगाए, वही लगाए। चलो अगर इतने किए हैं तो फिर तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट जाकर ग्राउंड पे उतर जाना चाहिए। वो रनिंग के लिए मतलब रनिंग भर्ती मार रखी सितंबर में जो धार में हुई थी साई ग्राउंड पे, वहाँ पर भर्ती मार दी थी। कितने नंबर की? पर रनिंग मतलब 2 सेकंड से रह गया था उसमें, तो फिर मतलब बाइक कोशिश जारी कर, कोशिश नहीं फिर से उतरना पड़ेगा तगड़े तरीके से। और इस बार बच्चों ने ठान के रखा हुआ है कि इसी बार जैसा आप लोग जिद्दी हो ना, ऐसे सारे जिद्दी है जो इतने से अग्निवीर निकल रहे हैं, सब जिद्दी एक दूसरे की वैकेंसी करने के लिए कि मेरा नाम आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए है ना, और उतर जाइए। अगर आप इतने क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो मैदान में उतर जाइए। ठीक है, पीटी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेटा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेपर का जो लेवल है वो इजी ही है, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक मैंने जो बात की हुई तो ईजी ही है।